हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? मैं हूँ शैली शर्मा, आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त। क्या आप जानते हो कि आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? तो बच्चों, आज मैं आपको साइंस यानी विज्ञान की कहानी सुनाऊंगी। बच्चों, क्या आप जानते हो कि छोटे बच्चों के शरीर में 300 मतलब 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जबकि बड़े लोगों के शरीर में 206 या 206 हड्डियां पाई जाती हैं। परंतु क्या आपको मालूम है कि ये जो 94 हड्डियां होती हैं वो कहाँ चली जाती हैं? तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको हड्डियों की ही कहानी सुनाती हूँ, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये जो 94 हड्डियां होती हैं वो कहाँ गायब हो जाती हैं। बच्चों, क्या आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में अगर एनिमल्स को हड्डियों के बेसिस पे देखा जाए तो दो तरीके के एनिमल्स होते हैं। एक हड्डी वाले यानी जिनमें हड्डी पाई जाती है उन्हें वर्टिब्रेट्स या कशेरुकी कहते हैं, जैसे पक्षी, सांप, मनुष्य, और दूसरे बिना हड्डी वाले मतलब जिनमें हड्डी नहीं पाई जाती, इन्हें नॉन वर्टिब्रेट्स या अकशेरुकी कहते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, केंचुए, ये सब। बच्चों, क्या आपको पता है कि हड्डियाँ हमारे लिए कितने काम की होती हैं? हड्डियों के कारण ही हमारे शरीर का एक निश्चित आकार होता है, यानी एक फिक्स शेप होता है। हड्डियाँ हमारे शरीर को सहारा देती हैं, जिसके कारण हम एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं, बैठ पाते हैं, दौड़ पाते हैं, खेल पाते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है कि हमारी हड्डियाँ कैल्शियम तथा फास्फोरस की बनी होती हैं, और इनमें एक प्रोटीन भी पाया जाता है जिसका नाम होता है ओसिन प्रोटीन। परंतु सवाल ये कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे शरीर में 300 हड्डियाँ होती हैं, परंतु जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ ही बचती हैं, तो बाकी की 94 हड्डियां कहाँ चली जाती हैं? तो बच्चों, जब आप छोटे थे तो आपकी हड्डियां या बोन्स भी छोटी छोटी और नाजुक थीं, परंतु जैसे जैसे आप बड़े होते गए तो हड्डियां आपस में जुड़कर बड़ी और मजबूत हो गईं, और इनकी संख्या भी 300 से कम होकर 206 ही रह गई। मतलब आप बड़े हो गए और हड्डियां कम हो गई। प्यारे प्यारे बच्चों, जब हम छोटे होते हैं तो हमारी बॉडी में ब्लड यानी खून का निर्माण स्प्लीन या प्लीहा में होता है, जबकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो खून का निर्माण हमारी बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा या सबसे बड़ी वाली हड्डी में होने लगता है। तो बच्चों, अब आप जान गए ना कि 300 हड्डियों में से 94 हड्डियां कहाँ गायब हो जाती हैं? तो बच्चों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? आप इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।